नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं लोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम यदि आप अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर पुश कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज आपके सामने जो मैं जो लेके आया हूँ वो है NBS JSC का। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसके लिए एक रणनीति क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको एक स्टडी प्लान, किताबें, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप प्लान नहीं करोगे, स्ट्रेटजी आपकी जितनी बेहतर होती है उतनी सफलता आपकी नज़दीक होती है। और इसी को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पूर्व में बताई गई मेरी सारी रणनीति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलता है और जिसका कमेंट, जिसका फीडबैक मुझे अक्सर देते रहते हो, जो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता रहता है। तो हम लोग आते हैं। अभी देखा जाए तो NVS ने, नवोदय विद्यालय समिति ने 1925 पदों के लिए यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली थी और इसमें लगभग सारे ही पोस्ट थे। आपका इधर देखा जाए तो बड़े पद से लेके और आपके मेस हेल्पर तक जितने भी पद हैं सारे इंक्लूड किए, लेकिन इसमें दो जो सबसे बड़े बड़े पद, एक आपका NVS JSC से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एक आपका यहां पे मेस हेल्पर का। हालांकि जो मैं मेन रणनीति लेके आया हूं, सबसे ज्यादा जो फॉर्म पढ़ने वाली जो पोस्ट है वो क्या है, NVS JSC के लिए सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका पेपर है वो 9 और 11 मार्च को संभावित है। TCS करवा रही है, केंद्र की परीक्षा है, तो इसमें कोई और असर नहीं पड़ेगा। 9 और 11 मार्च में हो ही जाना है पेपर, यानी कि आपके पास समय जो बच रहे हैं वो केवल और केवल लगभग के 30 दिन बच रहे हैं। और इस 30 दिन में हमारे पास क्या बेहतर से बेहतर रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो सर्वप्रथम आपको उसके रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आपके पास स्टडी मटेरियल क्या होनी चाहिए, कहां से पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े, कौन सा नोट्स पढ़े, उन किताबों में से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। क्योंकि एक बात समझिएगा, आपका जो उद्देश्य है वो नौकरी लेना है, आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इसमें PhD करना है। और अगर आप इसमें PhD करने के जाओगे तो 30 दिन ज्यादा समय नहीं होता। अभी फॉर्म फिलिंग चल ही रही थी और समय ज्यादा आपको दिया नहीं गया, मुश्किल से आपका 20-25 दिन पहले फॉर्म वो आया हुआ है फॉर्म फिलिंग का। और अगर 30 दिन बाद आपकी परीक्षा है तो आप समझ सकते हो कि कितना तेजी से ये सारी चीजें होनी है। और ये आपको बताता है कि आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी, तो इसके लिए आप एकदम तैयार रहो। आते हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो उसने केवल पैटर्न एक आपको बता दिया, सिलेबस को ओपन करके नहीं दिया। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें, पहले इससे पहले जब आपका 2016-17 में पेपर हुआ था NVS का, तो उसमें क्या था कि JSC का पेपर नहीं हुआ था, बट फिर भी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, मेस हेल्पर का पेपर हुआ था और भी जो पेपर थे वो सारे हुए थे। उन पेपर से अगर हम देखें, सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी करवा रही है। तो एजेंसी करवा रही है TCS, और TCS से आप सभी लोग भली भांति वाकिफ होंगे जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे या कोई अन्य एग्जाम की जैसे बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, इन्हें पता होगा कि जो TCS पेपर बनाती है वो कैसे बनाती है। तो सिलेबस में जो दिया है उसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके और करंट के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं JSC के पोस्ट के लिए, जिसकी टोटल जो वैकेंसी है वो लगभग 630 है, जिसमें आपके 622 जो पद हैं, है ना, ये टोटल 630 पद हैं, इसमें 622 जो पद हैं ये आपका नवोदय विद्यालय कैडर का है, और आपके जो 8 पद हैं ये आपका हेडक्वार्टर नवोदय विद्यालय के ही जो दिल्ली में है वहां उसका 8 पद है। तो टोटल मिलाकर 630 पद इसके लिए हैं और इसी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, मेस हेल्पर का भी है स्लाइटली सिमिलर है, और उसमें क्या है केवल 70 क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका जो सब्जेक्ट से होगा वो होगा, ठीक है ना, आपके फील्ड से होगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव नॉलेज होगा, बाकी आपका सब कुछ वही रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे अगर प्रीवियस ईयर की चर्चा करें तो कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और अगर हम इस बार तैयारी करने जा रहे हैं तो हमें कौन से टॉपिक पढ़ लेनी चाहिए, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप देखो तो मैथ्स उसने केवल लिख दिया, और मैथ्स बहुत बड़ा है, मैथ्स में नंबर सिस्टम अगर देखा जाए, उसके बाद आपका पूरा अरिथमेटिक का है, अरिथमेटिक के बाद आपका ज्योमेट्री सेक्शन आ जाता है, एलजेब्रा आ जाता है, स्टेट्स आ जाता है, स्टेटिस्टिक्स जिसे आप लोग बोलते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं मैथ्स में। लेकिन क्या सब पढ़ना है, नहीं, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो ये जो पोर्शन आपका है ये आपको सिलेक्शन में कहीं बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि आप यहां पे देखो मैथ बैकग्राउंड या SSC की तैयारी करने वाले जो बच्चे हो या उस प्रकार की परीक्षा की जो तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय हो या फिर केंद्र के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, उन सभी के लिए बता दो, आपके अगर मैथ फील्ड है या SSC की तैयारी कर लो CGL जैसी परीक्षा, CHL जैसी परीक्षा को लिए,
तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, है ना, और करंट अफेयर्स हो गया। ये आपको वही एसएससी वाला ही मिल रहा है। 100 क्वेश्चन का देखा जाए तो 20-20-40 यहां पे हो रहे हैं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करंट के होंगे और इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन होगा, तो 40 और 30 यहां पे हो जाएंगे 70 क्वेश्चन, और बाकी जो बच रहा है आप यहां से देख सकते हो। तो 100 में से 70 क्वेश्चन वही कॉमन वाला है और वैसा ही आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। फिर भी हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बोलो कि सर मैथ्स में क्या पढ़ लूं, रीजनिंग में क्या पढ़ लूं, तो एक एक मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा कि क्या पढ़ लें, एक एक मैं बताता हूं। तो यहां पे आप बस देखते जाओ कि मैथ्स में क्या पढ़ना है। मैथ्स में आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है मैं यहां पर लिख रहा हूं। नंबर सिस्टम में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम एससीएफ अच्छे से पढ़ लो, जैसा कि पूर्व में पूछे गए पेपर में प्रश्नों के आधार पर देखा जाए। आप यूनिट डिजिट पढ़ लो, है ना, और बहुत अगर समय मिलता है तो डिविजिबिलिटी पढ़ लो, इससे ज्यादा नंबर सिस्टम में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप परसेंटेज का, वो भी बेसिक ऐसा नहीं है, आप परसेंटेज पढ़ने लगे तो परसेंटेज में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ो, लेवल वन लेवल टू पढ़ो, मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। बस अभी आप टॉपिक देखो, प्रतिशतता जिसे आप बोलते हो, परसेंटेज पढ़ लो, परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, इसी में आप डिस्काउंट भी लिख लो, यहां से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था तो आप इसे लेके चलो। और एसआई ना सीआई पढ़ पाओ तो एसआई आप जरूर पढ़ लो, साधारण ब्याज यहां पे आप जरूर पढ़ लो, ठीक है ना। इतनी बात हो गई तो आप फिर यहां पे एक रेशियो पढ़ लो। हाँ, मैथ्स 30 नहीं है, मैथ्स 20 है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैं यहां पे भी क्या लिखाऊं, एक चीज मैं देख ले रहा हूं, मैथ्स 20 है, ओके ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप इसे देख लो, ठीक। और इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क जो होता है, मैं टी एंड डब्ल्यू से लिख दे रहा हूं, है ना, कार्य और समय से जो क्वेश्चन होते हैं, यहां से भी एक दो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछा जा सकता है। इसके बाद आप टाइम स्पीड डिस्टेंस, बस अगर आप मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये चैप्टर तो आप पढ़ो ही, नंबर सिस्टम में डिटेल में जाओ और थोड़ा बहुत आप ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री भी पढ़ के जाओ, अलजेब्रा ना पढ़ो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं है तो आप इतने चैप्टर जरूर पढ़ के जाओ, और अगर इतना चैप्टर पढ़ लिए तो 15 से 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप करके आओगे, इतना निश्चित है कि कोई इतना क्वेश्चन टाल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, हमें टफ क्वेश्चन लेवल पे नहीं जाना है, हमें आसान लेवल के क्वेश्चन को करना है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, क्लास में भी आपको बताता रहता हूं। दूसरा पार्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, बात करूं तो रीजनिंग ये एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे कम लगता है पढ़ने में, टाइम सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है लेकिन सबसे ज्यादा नंबर देता है। पढ़ना क्या है इसमें, इसमें आप ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ठीक है ना। इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लो। कोडिंग डिकोडिंग में कई बार एनालॉजी बेस पे पूछ रहा है, कई बार पैटर्न बेस पे पूछ रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैं एनालॉजी लिख दे रहा हूं, है ना, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे करके, है ना, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलॉक्स के क्वेश्चन कर लो, है ना, जिसे न्याय निगम बोलते हो, सिलॉक्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एक दो क्वेश्चन पूछेगा, फिर से पूछेगा 20 क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में ये एक एक करके क्वेश्चन ऐसा पूछता है। तो ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन सेंस से भी एक क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिल जाएगा, रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, तो मैं डायरेक्शन सेंस लिख दे रहा हूं। और ब्लड रिलेशन, यहां से भी क्वेश्चन आपका क्या है, बना है। तो ये जो आपके हैं ये रीजनिंग के मेन टॉपिक हैं, जहां से आपके 20 के 20 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं, ये आप समझिएगा। एक आपका मैथ ऑपरेटर पे भी क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है, तो इसे आप मैथमेटिकल जो ऑपरेटर होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके मेन पार्ट है, यहां से आप कर सकते हो, रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें तो जो अब ये 20-20 क्वेश्चन वाला रहा, थोड़ा लैंग्वेज पे आते हैं, तो लैंग्वेज में इंग्लिश है, इंग्लिश में इंग्लिश और हिंदी मिला के, है ना, इंग्लिश और हिंदी मिला के टोटल कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30 पूछा जा रहा है, जिसमें 15 इंग्लिश होंगे और 15 हिंदी होंगे। इस 15 में 5 क्वेश्चन किसका होगा, पैसेज का होगा, तो ये फ्री का नंबर है। इस 15 में भी 5 क्वेश्चन जो होगा वो पैसेज का होगा, तो ये भी फ्री का नंबर है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन है इसमें आपका करीबन 5 से 6 क्वेश्चन जो होगा वो वोकैब्स का होगा। वोकैब्स में कौन सा पार्ट आता है, वोकैब्स में जैसे आपका क्या हो गया, यहां पे इडियम्स सबसे ज्यादा जो जरूरी टॉपिक है, है ना, इडियम्स आप पढ़ के जाना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ के जाना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन टीसीएस पूछता है और इस पे बराबर पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर पढ़ सकते हो तो ये पढ़ लेना, यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा, यहां से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें अच्छा इसमें एक फिलर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन में फिलर बेस्ड भी हो सकता है, करेक्शन पे एरर डिटेक्शन बोल लूं, एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लेगा, और बाकी एक दो सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
हिंदी में बात करें तो 5 क्वेश्चन आपका पैसेज का हो गया, बाकी आपका 1 क्वेश्चन संधि से हो सकता है, आपका समाज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा टॉपिक दिया पूछा गया था पूछा जाएगा, है ना। वर्तनी अशुद्धि से क्वेश्चन पूछेगा, शुद्धि अशुद्धि स्टेटमेंट से पूछ सकता है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछेगा, विलोम से क्वेश्चन पूछेगा और मुहावरे। तो इसमें भी अगर हम यहां पे देखें तो ये अगर इतना वाला पार्ट देखो तो ये हमारा वोकैब्स का पार्ट जाएगा, बाकी ग्रामर का पार्ट जाएगा। तो 5 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आपका 5-6 क्वेश्चन जो होगा ये वोकैब्स से होगा और 4-5 क्वेश्चन जो होगा वो ग्रामर का होगा। तो दोनों में डिवीजन लगभग सेम है, टीसीएस करा रहा है, बैलेंस पेपर बनाएगा, लेकिन स्तर जो रहेगा इसका काफी इजी रहेगा, यहां से स्कोरिंग हो सकता है। ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषाई प्रदेश से बिलोंग करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, है ना, या बिहार से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए ये सेक्शन ज्यादा अच्छा क्या होगा, आप इससे नंबर उठा सकते हो। ऐसे बच्चे जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हो उनके लिए इंग्लिश ज्यादा अच्छा बेटर होगा, तो वो इंग्लिश वाले में उठा सकते हो। ओवरऑल आप इस 30 में से 18-22 क्वेश्चन बहुत आराम से मिनिमम ये कर सकते हो, और मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपका 25 भी जाता है, ये मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम नंबर उठ सकता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई टाइम लिमिट सेक्शनल नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर यहां पे बड़ा पोर्शन है, 30 क्वेश्चन है कंप्यूटर में। अगर आप देखो तो यहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, एक्सेल से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपका वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा, एमएस वर्ड से पूछ सकता है, पावर पॉइंट से पूछ सकता है, ठीक है ना, जो बेसिक है, जो एप्लीकेशंस होते हैं उससे ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा यहां पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पीपीटी या पावर पॉइंट मैंने एक ही चीज बता दिया है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा तो हो सकता है मेमोरी वगैरह में या फिर उसकी हिस्ट्री में थोड़ा जाए, जनरेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इससे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि कंप्यूटर के फादर किसे बोला जाता है, कोई आपका कीवर्ड है, कैसे यूज करोगे, कैसे आप प्रिंट का कमांड दोगे, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपका होता है। एक्सेल में कितने आपके बाई डिफॉल्ट टैब खुले होते हैं, क्या बाई डिफॉल्ट कितनी सीट खुली होती है, ये सब क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर पे पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट में बाई डिफॉल्ट कितनी सीट खुली रहती है, कौन सा विंडोज चल रहा है, ये सब क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, बहुत आसान सा होगा, इसका भी स्तर क्या रहेगा, इजी ही रहेगा। फाइनल पोर्शन पे आते हैं आपका जीएस और करंट अफेयर्स वाले में, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स करेगा। टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में जो मेरा प्रेडिक्शन है 12 से 15 क्वेश्चन क्योंकि टीसीएस करा रहा है केवल करंट अफेयर्स रहेगा। मैं यही पे बता दे रहा हूं करंट अफेयर्स आप कहां से पढ़ो, कि टीसीएस पिछली भी देखा गया है कि एक वेबसाइट है आपका जीके टूडे डॉट इन, ये वेबसाइट आप देख लीजिएगा, ये इसका ऐप भी है, आप सीधा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ये डेली वाइज और मंथली वाइज क्या करता है, क्विज देता है, डेली और मंथली वाइज क्विज देता है। तो करंट अफेयर्स आप क्या करना, कि पिछले 6 मंथ का ना 6 मंथ कर पाओ तो एग्जाम कब है आपका, 9-11 मार्च है, मतलब आप किस में, फरवरी का, जनवरी का, पिछले दिसंबर का, पिछले फिर अक्टूबर का और नवंबर का, इतने मंथ का जो मंथली क्विज है, मंथली क्विज किसका, अगर आप करंट कुछ ना पढ़ पाओ उसके लिए बोल रहा हूं। GKToday.in जो ऐप है, मैं कोई ऐसा नहीं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं जान रहा हूं कि टीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन इस ऐप से उठा लेता है बार बार, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो यहां से आप मंथली कुछ कम से कम 7-8 बार लगा डालो, आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। 12-15 क्वेश्चन होगा तो 11-14 क्वेश्चन यहाँ पे आप सही ही करके आओगे, कुछ नहीं होगा। बाकी जीएस पोर्शन के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे आपको पढ़ना क्या है, यहां पे आपको जीएस में सब कुछ नहीं पूछेगा, केवल हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, साइंस पूछेगा और ज्योग्राफी पूछेगा, बस, ना ही इकोनॉमिक्स पूछने जा रहा है, ना ही आपसे एग्रीकल्चर पूछने जा रहा है, ना ही एनवायरमेंट पूछने जा रहा है, कुछ नहीं पूछेगा। हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉडर्न पढ़ना है, वो भी गांधीयन एरा में कौन सा पढ़ना है, 1915 के बाद की इंफॉर्मेशन ज्यादा पढ़ो, जो गांधी जी के मेन क्या रहे हैं, इवेंट्स रहे हैं, जैसे आप 1919 हो गया, मैं डेट बता दे रहा हूं, 1923 हो गया, है ना, सॉरी 1919 हो गया, 1923 हो गया, 1930 हो गया, ये क्रोनोलॉजी आप गांधी जी का जो है मेन पढ़ के जाओ, कांग्रेस का 1885 ये पढ़ लो, है ना, सारे सम्मेलन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मिडिवल में बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिडिवल में जो कल्चर है, जैसे आप कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुब मीनार की सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वो किसने बनवाया, सबसे लास्ट सीट कौन रखी, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछेगा, ताजमहल किसने बनवाया या ये कहां पे है ना, फतेहपुर सिकरी में क्या फेमस है, ऐसे टाइप में चीजें आपसे पूछेगा मिडिवल में।
एंसियंट ना के बराबर पूछेगा, तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है, 30 दिन ज्यादा समय नहीं होते, इसलिए एंसियंट आप अंतिम समय में ना छो तो ज्यादा बेटर है, और अगर छूना है तो केवल एंसियंट में बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ लो बस, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी की बात करूं अगर मैं, पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेट होते हैं, जैसे आप फंडामेंटल राइट ये जरूर पढ़ लो, है ना, फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, ये जरूर आप पढ़ लो। कायदे से मतलब 1 से लेके 52 तक आर्टिकल आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा चुनाव हो रहे हैं तो राज्यसभा लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, है ना, राज्यसभा लोकसभा मनी बिल बहुत पेट क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपकी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस में भी आपको बायो में केवल डिजीजेस पढ़ना है, बायो में कुछ नहीं पढ़ना, केवल डिजीजेस पढ़ना है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वहां से पूछना है कि इसकी खोज किसने की। फिजिक्स में यूनिट एंड मास पढ़ने, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस बहुत डीप है, साइंस को ऊपर ऊपर पढ़ के जाओ। और ज्योग्राफी में भी केवल इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी केवल इंडिया की पॉलिटिकल मैप, है ना, उसका जो बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, पार्क स्टेट, या अगर क्वेश्चन है ना, डुअंड रेखा हो गई, ये सब चीज आपको केवल ज्योग्राफी में पढ़ के जाना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर जीएस देखा जाए, हाँ, ये सब, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय यहां पे लिया क्योंकि बहुत वास्ट है, इसमें आप भटक जाओगे तो 30 दिन बर्बाद कर दोगे। जो टॉपिक मैं लिख दिया हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसे कॉपी में नोट करके इसे कर लोगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा ये 30 क्वेश्चन हो गए, तो 30 क्वेश्चन ये हो गए, इसमें भी अगर आप इतना कर लोगे तो 30 में से कम 25 क्वेश्चन आप करके आओगे, इससे कम नहीं है। तो यहां पे 25 क्वेश्चन इतना हो गया। कंप्यूटर में 30 क्वेश्चन में अगर इतना पढ़ लेते हो तो यहां पे भी आप 20+ क्वेश्चन करके आओगे, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं हो, आसान आता है तो 25+ भी किया जा सकता है। 25-25-50 क्वेश्चन यहां पे हो गए, और अगर यहां पे देखा जाए इंग्लिश और हिंदी तो यहां पे भी आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, 75 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग में आप 20 में 18 क्वेश्चन करने का पूरा प्रयास करो, है ना, यहां पे आपका करीबन 93 क्वेश्चन पे पहुंच गए। और अगर मैथ आपका बैकग्राउंड है तब तो आप 20 में 18 करो, नहीं भी करते हो तो 15 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, केवल इतना कर लोगे तो, ठीक है। तो अब यहां से आप समझ सकते हो कि आपके 103 और 105 क्वेश्चन आप आराम से पहुंच रहे हो, मिनिमम मैं बता रहा हूं, और 103 105 क्वेश्चन कम नहीं होते, टोटल आपके 130 क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखना। कोई भी परीक्षा होती है उसका जो लीस्ट बच्चा होता है सेलेक्टेड होने वाला, वो मुश्किल से 70%, है ना, कितना भी टफ कंपटीशन होगा 70% पा जाएगा, तो उसके चांसेस का सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखो 130 का 70% निकालोगे तो 91 क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप कितना ज्यादा ऊपर हो। तो अगर आप इस टॉपिक को केवल कवर करते चलते हो तो बहुत आराम से हो जाओगे। मैं एक बार बता दूं कि 30 डेज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा किस पे फोकस होना चाहिए, तो भैया सबसे ज्यादा 30 दिन में आप क्या पढ़ो, करंट पढ़ो, हिंदी से नंबर पॉलिटी पे उठाओ, है ना, उसके बाद आप रीजनिंग, यहां से क्वेश्चन उठे सबसे ज्यादा उठेगा, उसके बाद आपके कंप्यूटर, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो क्या है, स्कोरिंग है। उसके बाद आपका ये मैं पहला स्टेज बताऊंगा। दूसरे स्टेज में आप क्या कर सकते हो, मैथ्स हो गया जिससे बच्चों को डर लगता है, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, ये आपके 2 पार्ट हो गए, और उसके बाद जीएस हो गया, ये दूसरा है। तो सबसे पहली कड़ी में, मतलब अगर 30 दिन में है और आप ओवरऑल समय को 100% में बांट लो तो 70% समय इस सब्जेक्ट को देना है और 30% समय केवल इस सब्जेक्ट को देना है, ये दिमाग में रखना। मतलब अगर आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 8 से 10 घंटे में कम से कम 5 से 6 घंटे जो है वो आप ये सब्जेक्ट पढ़ो। आप करंट है डेली 1 आवर करंट के लिए निकालो, हिंदी के लिए 30 मिनट कम से कम डेली बेसिस पे कवर करो स्ट्रेटेजी बना के, 1 आवर रीजनिंग को दो, और आप 1 आवर ही कम से कम किसको दो, कंप्यूटर को दो। आप इनमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो, बाकी मैथ से इसके लिए मिनिमम 1 आवर तो दो ही, जितना टॉपिक दिया उतना ही कवर करने का प्रयास करो, इसके लिए भी 1 आवर दो, और जीएस को आप थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, लेकिन इसे उतना समय दो नहीं, पढ़ो उतना ही जितना मैंने बता दिया है। तो इसके अलावा भी अब 4-3, 7 घंटे, 8 घंटे आपका पूरा हो जा रहा है, और ये डेली बेसिस पे देखिए 30 दिन का समय, आप ऐसा नहीं कि एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ो, पूरा कवर करने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करते चलो, जितना ज्यादा टेस्ट दे लोगे उतनी ही सफलता के नजदीक आ जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि सर पढ़े कहां से, बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी सॉल्व करें, और करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है, तो करंट अफेयर्स का सोर्स मैंने GKToday.in मैंने बता दिया है। बाकी अगर आप इससे करते हो तो आप देख भी पा रहे होंगे परीक्षा प्लस 1000 का बैच चला रही है, जो ऑफर में आपको ये 499 मिल रही है,
और इसमें आपको ये जितने भी बेस्ट बुक है ना सब कुछ मिल जाएगा। जैसे जीएस के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा जो भी कंटेंट है। देखिए बहुत ज्यादा क्लासेस देखने का तो मौका नहीं है, फिर भी जो मेन मेन वीडियो है जो आपको देखनी चाहिए वो मैंने बता दिया है, या आप देख सकते हो। आप परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे है ना, या वेबसाइट पे जाओगे तो आपको परीक्षा प्लस ऐप मिल जाएगा, और आप अपने कोर्स में परचेज करने के बाद जाओगे तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। जैसे इसमें एनवीएस की हिंदी का नंबर ऑफ वीडियोस और पीडीएफ अगर आप देखो ये आपको सही से विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं। हिंदी के 16 लगे हुए हैं, एनबीएस हिस्ट्री के 36 हैं, बायोलॉजी के 12 क्वेश्चन लगाए, 12 जो क्लास लगाई गई हैं, मैथ्स की भी 28 क्लास लगाई गई, इसी में आपके पीडीएफ भी हैं, रीजनिंग की केवल 8 क्लास दी गई है जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, पॉलिटी का 12, बिल्कुल जैसे स्ट्रेटेजिक वाइज है वैसे आप देख सकते हो। अभी इसमें देखो जैसे मैंने बताया क्या पढ़ना है, अब हिंदी में अगर आपको पढ़ना है ना हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी में आप संधि पढ़ लो है ना, ये संधि के बाद ये अभी क्रिया पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, समय आपके पास कम है, विशेषण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्णमाला पढ़ लो, संधि पढ़ लो, फिर यहां पे समास पढ़ लो, ठीक है। समास पढ़ने के बाद आप यहां पे हिंदी व्याकरण रस ये अलंकार पढ़ लो और हिंदी व्याकरण पढ़ लो, इतना अगर आप पढ़ लोगे तो हिंदी में अच्छा खासा हो जाएगा, बाकी पैसे जाएगा। हिंदी के अलावा अगर आप देखो यहां पे इतिहास में देखो तो इतिहास में हालांकि लगा दिया गया सब, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको एंशियंट में केवल बुद्ध और जैन पढ़ना है, मिडिवल में आपको कुछ पार्ट पढ़ने हैं, और मॉडर्न में जो गांधी एरा है मेन मेन मोमेंट है वो आपको पढ़ना है। अगर आप यहां पे देखो तो सारा लगा दिया है, संख्या पद्धति में आप ये तीन पार्ट तो जरूर पढ़ लो, ठीक है ना, ये वर्गीकरण वाला पार्ट पढ़ लो, उसके बाद आप एलसीएम एससीएफ पढ़ लो कहां दिया गया है, ये विभाजकता पढ़ लो और इकाई का स्थान यहां पे पढ़ लो, इतना अगर आप पढ़ लेते हो और एलसीएम एससीएफ पढ़ लो, नंबर सिस्टम में इतना पढ़ना है, बाकी अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है ये वाला पार्ट अरिथमेटिक वाला पार्ट एक साथ आपको करवा के दे दिए हैं, तो कम कहने का मतलब कम में बहुत ज्यादा दिया गया है। ऐसे ही आप कोई और भी पोर्शन देख सकते हो। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाने वाला था ये दिखाने वाला था कि जो आपका नोट्स है ना यहां पे प्रीवियस पीडीएफ, ये देखिए व्यू पीडीएफ है, अभी मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो ये पीडीएफ है, ये 100 पेज की पीडीएफ है। जीएस में आपको ज्यादा कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है, ये आपको पूरा कंटेंट दिया गया, बहुत अच्छा कंटेंट है, और अगर इसे आप डेली 4 पेज भी पढ़ोगे तो इसमें से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इतना आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, करंट के लिए जीके टुडे होना चाहिए। एक बात समझ के रखो कि स्ट्रेटजी ही सब कुछ होती है, और ये स्ट्रेटजी कहने का मतलब हमें अंतिम समय में ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बार दिमाग में रख लो कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा भटकाव की स्थिति यही आती है कि वो सबसे ज्यादा समय कहां पर करते हैं, रिसोर्सेस को ढूंढने में बर्बाद करते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात यह होती है कि जब रिसोर्सेस मिल जाता है तो समझ में आता है कि पढ़े कहां से, क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्या छोड़े, यह सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो इस चीज को आप माइंड मेकअप कर लो, जितना दिया गया मोर देन सफिशियंट है। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और 30 दिन में यह सबसे बेहतर रणनीति अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी सफलता का गारंटी हम लेते हैं। पूरी डिटेल जो दी हुई है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, आप वहां से कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।